हेलो फ्रेंड्स, सो आज की वीडियो में बात करेंगे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का जो फाइनेंशियल रिजल्ट आया है उसके बारे में। तो यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट है 2025 का, तो देखेंगे बैंक का परफॉर्मेंस कैसा रहा कंपेयर टू प्रीवियस ईयर, प्रीवियस क्वार्टर। तो अब बैंक ऑफ इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है, फोर्थ फिफ्थ चेंज होते रहते हैं यूनियन बैंक या कैनरा बैंक में। तो अगर हम बात करें यूनियन बैंक का जो ग्लोबल बिजनेस है वो 21,36,000 करोड़ पहुंच गया है, और एडवांस है 9,12,000 करोड़ एंड डिपॉजिट है 12,24,000 करोड़। वहीं ब्रांचें आप देख सकते हो 8,473 ब्रांचें हैं और 9,342 ATMs हैं। एंड जो ओवरसीज़ ब्रांच यूनियन बैंक की वो दुबई में है और सिडनी में है। एंड जो एम्प्लॉय संख्या है 75,200 है। ये बेसिक इंफॉर्मेशन थी। अब हम देखते हैं परफॉर्मेंस। सो अगर आप यहाँ ग्रोथ देखोगे, ग्रोथ लिखा हुआ है जून 2024 में और जो मार्च 2025 में एक्चुअल जो ग्रोथ दिखा रहा है कितना ग्रोथ हुआ एक्चुअल। तो एडवांस जो ग्रोथ हुए हैं वो 11.46% के आसपास हुई है। डिपॉजिट जो ग्रो हुआ है 8.52% हुआ है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन 3% ग्रो हुआ है। एंड ग्रॉस एनपीए जो कि 4% डिक्रीज होकर 4.54% हो गया है। अब यहाँ पे आप बेसिक पैरामीटर देख सकते हो कि जो मेनली आपके टाइम पे डिसाइड किए जाएंगे PLI के लिए। सो डिपॉजिट, अगर डिपॉजिट की बात करें तो डिपॉजिट जो बैंक का ग्रो हुआ है 8.52% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हुआ है। एडवांस की बात करें तो 11.46 के हिसाब से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रो हुआ है। रैम जो ग्रो हुई है 14.53% के हिसाब से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ हुई है। अब जो बैंक का ग्रॉस एनपीए है वो भी 4.54% हो गया है और जो नेट एनपीए है 0.90% हो गया है। मतलब काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट है ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए में भी। ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट हुआ है वो 7,785 करोड़ हुआ है फर्स्ट क्वार्टर में। अगर ईयर बाय ईयर देखोगे तो 8% के हिसाब से ग्रो हुआ है। एंड नेट प्रॉफिट में भी 13% का इंक्रीज हुआ है ईयर ऑन ईयर बेस पे, जो कि है 3,679 करोड़। नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो 3.05% इंक्रीज हुआ है। एंड यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन एसेट पे देख सकते हो वो भी इम्प्रूव हुआ है। ये ग्राफ है कि जून 2022 से लेके जून 2024 तक ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना इंक्रीज हुआ है बैंक का। यहाँ पे आप नेट प्रॉफिट देख सकते हो और नेट इंटरेस्ट इनकम भी देख सकते हो कि एक ग्राफ में मतलब इंक्रीज ही होती गई है। यहाँ पे डिप पिछले क्वार्टर में ज़रूर आया था, मार्च 2024 वाले क्वार्टर पे, बाकी एक ग्राफ में अच्छा इम्प्रूवमेंट है। अब टोटल डिपॉजिट की बात करें तो टोटल डिपॉजिट जो कि है जून 2024 में 12,24,191 करोड़, ग्रोथ है 8.52%। एंड जो कासा ग्रोथ है, कासा एक बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए चैलेंज है जो कि करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट डिपॉजिट होता है, लो कॉस्ट इनकम बेस होता है वो, जो कि काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज हुआ है यूनियन बैंक में 34.60% से 33.40% हो गया है, जो कि एक चिंता का सब्जेक्ट है क्योंकि कासा लो कॉस्ट में होता है और बैंक के लिए अच्छा रहता है। एंड आप यहाँ पे सेविंग डिपॉजिट देख सकते हैं कासा डिपॉजिट कितना कितना इंक्रीज हुआ है। यहाँ पे आप इंटरेस्ट इनकम और इंटरेस्ट एक्सपेंस वगैरह, नेट इंटरेस्ट इनकम देख सकते हैं। नेट इंटरेस्ट इनकम जो है वो 6.47% ईयर ऑन ईयर बेस पे ग्रो हुई है, जबकि 0.26 पे डिक्रीज हुई है। वहीं ऑपरेटिंग प्रॉफिट 8.44% से इंक्रीज हुआ है। एंड क्वार्टर बाय क्वार्टर अगर आप बात करेंगे तो 19% का इंक्रीज है, जो कि अच्छा है। और नेट प्रॉफिट भी लगभग 13.68% से ग्रो हुआ है ईयर ऑन ईयर बेस पे, एंड क्वार्टर बाय क्वार्टर पे 11.11% के हिसाब से ग्रोथ हुआ है। तो ओवरऑल बैंक का परफॉर्मेंस अच्छा था। एंड अगर PLI की बात करेंगे तो पैरामीटर के हिसाब से डिसाइड किया जाएगा कि किस पैरामीटर, ये तो फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट है। बाकी बैंक का परफॉर्मेंस एक ग्रोथ अच्छी ग्रोथ है नेट एनपीए में भी और प्रॉफिट में भी। थैंक यू दोस्तों।